अरुण कोठारी जी का सवाल है, पेटीएम पर क्या नजरिया है अगले 2-3 साल के लिए? अभी अभी आरबीआई ने तगड़ा जुर्माना लगाया है इनके ऊपर, उसके बाद भैया शेखर शर्मा जी आए, इन्होंने कुछ कुछ समझाया बाजार को कि हम आगे क्या करेंगे कैसे करेंगे, तो बाजार कितना समझ रहा है और कितना अभी देखना चाहता है? इसका जवाब कोठारी साहब, राजीव जी दे देंगे इनको। मैंने एक दिन टेक्स्ट भेजा था पेटीएम पे, क्या हुआ है, क्यों ऐसा होता है। देखिए, हम जब इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो बहुत सारी चीजों को ऐसे फिल्टर पे डालना पड़ता है कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ता है और अलाउ करना पड़ता है कि 100 में से हो सकता है 90 स्टॉक्स रन कर रहे हों और आपको अलाउ करना पड़ेगा वो जाए, फिर भी आपको लालच नहीं आना चाहिए, आपको अपने 10 के साथ ही रहना चाहिए। ऐसा ही होता है। पेटीएम एक एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे, एक पोटेंशियल नंबर्स के बेसिस पे अहेड ऑफ टाइम रन कर रहा था, वो ऑलरेडी डेंजर जोन में था फ्रॉम द वैल्यूएशन स्टैंड पॉइंट। वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग के सिचुएशन में अगर कोई भी कंपनी जाएगी तो उसका रिस्क क्वोशन बहुत हाई रहेगा। अच्छे समय में आप तो बच जाएंगे, जब भी कभी फिनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन आएगी तो कंपनी उड़ जाती हैं। तो हमारी तैयारी वैसे समय के लिए रहती है, ना कि बहुत अच्छे समय के लिए। अच्छे समय में तो ये भी पैसा बनाएगा, सेफ वाला भी पैसा बनाएगा, तो हम सेफ के साथ रहना पसंद करते हैं। पेटीएम का जो रिस्क वेट के कारण जो आप इस पे देख रहे हैं, या गवर्नमेंट रेगुलेशन के कारण जो आप इस पे देख रहे हैं, इसका प्राइस करेक्शन, ये बहुत अच्छा है। इसको अपने नॉर्मल 500-550 ये सब जोन में जाके बैठना चाहिए, वही इसका वैल्यू है। उसके बाद इनके बिजनेस प्लान से कुछ निकल के आता है तो अकॉर्डिंगली इसमें बाइंग आनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि 500-550 के ऊपर पेटीएम को देखना चाहिए। अगर है भी तो आंख बंद करके देखते रहिए, कुछ करना नहीं चाहिए। अभी विथ टाइटनिंग ऑफ रेगुलेशंस, जो भी साइड से निकलने की बिजनेस में कोशिश करेंगे उसमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि रेगुलेशंस और टाइट होंगे। भले ही NBFCs या फाइनेंसर्स को बैंक के साथ नहीं तोला जाएगा, लेकिन उनकी सेफ्टी, उनकी सेफ्टी नेट सर्टेनली बढ़ाई जाएगी, तो उस पर रेगुलेशंस और टाइट किए जाएंगे। जी, यहाँ पे सुमेश जो चार्ट दिख रहा है अभी आरबीआई के डिसीजन के साथ साथ, ये लंबा सा काफी बड़ा सा गैप बना सीधे 813 से लेकर के 730 के आसपास तक का ये गैप है, उसी बीच में आपका 200 मूविंग एवरेज पार हो गया। तो जब इस तरह के बड़े गैप के साथ 200 मूविंग एवरेज जैसा एक लॉन्ग टर्म इंडिकेटर जो है वो कट जाता है, और उसके बाद भी मतलब गिरावट थमती नहीं है, अभी लगातार उस दिन से किसी भी दिन हमें 5 कैंडल बन गई, किसी भी दिन हमें कोई भी मतलब ये संकेत नहीं मिलता हुआ दिख रहा है कि वापस खरीदारी उभर रही है, ना तो प्राइस पैटर्न में, और लगातार आप देख रहे हैं जो वॉल्यूम के कैंडल्स हैं वो भी लगातार बिकवाली की तरफ ही संकेत कर रही है। ऐसे में ये गिरती छुरी कहाँ रुकेगी जाके? ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग है, और जब बड़े भैया बेच रहे हो तो फिर कौन खरीद को रोक पाएगा। क्लियर कट है, इसमें इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग थी, वहां से ही रिडक्शन हो रहा है। अभी कोई नहीं खरीदने वाला जब तक इसमें फिर से कोई फंडामेंटली पॉजिटिव न्यूज नहीं आ जाए, या फिर 500-550 के आसपास जाके स्टेबलाइज। जब ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, वो भी उसकी भी एक लिमिट होगी, कहीं ना कहीं जाके रुकेगी क्या वो? जो रिसेंट बॉटम्स हैं 450 के आसपास के, वहां पे, या 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा वहां पे, ये कहाँ पे रुकेगी सेलिंग, और उसके बाद फिर आगे उसका बिहेवियर क्या होगा? क्या वापस वहां से बाउंस बैक आएगा, या जहाँ पे सेलिंग रुकेगी उसके बाद वो काफी समय तक पड़ा हुआ रहेगा चुपचाप? नहीं, काफी समय तक पड़ा रहेगा, अभी तो कम से कम होप में चल रहा था ना आपका, तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो लेवल ही नेगेटिव है, वहीं पे आप नेगेटिव चल रहे हैं। बॉटम लाइन की तो बात अलग है, ये पूरी की पूरी होप पे चल रहा है बिजनेस आपका, और उसके अगेंस्ट में रेगुलेशन स्ट्रिंजेंट, तो और आपके लिए परेशानी। तो जब तक एटलीस्ट थोड़ा बहुत बिजनेस जनरेट ना करने लगे कैश लेवल, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि बहुत इस पे पॉजिटिव व्यू बनेगा। एक थोड़ा बहुत जो न्यू इकोनॉमी में बन रहा था, अब वो भी नहीं बनेगा, सेंटिमेंट मार्ड हो जाएंगे,
5-550 के नीचे भी तो नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है, वहां पर जाके स्टेबिलिटी आएगी, बट वो पैसा बनाने के लिए थोड़ी है, वो तो लेवल वहां पे ठीक है, वहां पे देखेंगे एक दो क्वार्टर का रिजल्ट कुछ अच्छा इंडिकेट करेगा तो फिर वहां से खरीदारी कर सकते हैं, उसका पता नहीं है, 5-550 पे इवेल्युएट करना पड़ेगा। जी ओके, तो ये रही फिलहाल पेटीएम पर राय, कोई बहुत ज्यादा इस समय उम्मीद नहीं जग रही है, तो यदि कोठारी साहब अगर आपने निवेश कर रखा है तो फिर क्या इनको मतलब निकल जाना चाहिए घाटा उठा करके अगर ऐसा ऊपर लगा हुआ है, या वो इस गिरावट में अगर खरीदने की बात सोच रहे हैं तब तो शायद आसान रास्ता है लेकिन कि भाई इंतजार कर लीजिए, लेकिन अगर खरीद रखा है ऊपर के भाव पे काफी घाटा हो रहा है वैसे स्थिति में क्या करना चाहिए एक निवेशक को? इसमें इन्वेस्टर को तो हमेशा कंपनी में अगर वैल्यू नहीं है, कंपनी में ग्रोथ नहीं है, कंपनी में अर्निंग पोटेंशियल अर्निंग नहीं दिखता है अगेंस्ट गिवन करंट वैल्यूएशन, पर मुझे नहीं लगता कि कोई इन्वेस्टर को वो सेलेक्ट करना चाहिए, फैसला उनका होना चाहिए कि उनको रहना है या नहीं करना है, उस पर मेरा कोई जोर नहीं है। मैं सिंपल जानता हूँ कि अगर मुझे अर्निंग की विजिबिलिटी नहीं है तो मैं कहानी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करता, बस सिंपल। जी।